वाराणसी से अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वाराणसी अन्नदाता के लिए भोर में 3 घंटा और शराब के लिए पूरा दिन, सरकार के निर्णय से अन्नदाता विचलित। मंडी अन्नदातारम अभियान चलाकर किसानों की सब्जी वाजिब मूल्य पर खरीदने के साथ अन्नदाता किसानों को पगड़ी बांधकर प्रबोधिनी फाउंडेशन किसानों के उनके खेतों में कर रही है सम्मान। भोर में 3 घंटे मंडियां खुलने का परिणाम है कि किसान की उपज का नहीं मिल रहा है भाव। किसानों को लागत क्या सब्जी मंडी तक सब्जी ढुलाई के भाड़े के पड़े लाले। किसानों की कच्ची सब्जियों का मूल्य निर्धारित कर सब्जी क्रय करें या बिक्री हेतु उचित बाजार दे सरकार। विनय राय भाजपा के जिम्मेदार पदाधिकारियों से कल मिलेंगे किसान, बताएंगे अपना बुरा हाल। आज दिनांक 5 अप्रैल 2020 को राजतालाब क्षेत्र के किसानों से सब्जी खरीदने पहुंचे प्रबोधिनी फाउंडेशन के महासचिव विनय शंकर राय। मुन्ना को अपनी सब्जी देने के पश्चात सब्जियों का बाजार में मूल्य नहीं मिलने का दुखा बताते हुए चरण शंकर प्रेम शीला के आंखों में पानी आ गया। उनका कहना था कि जिस वस्तु को पीने से नुकसान ही नुकसान है, उसके लिए सरकार दिन भर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ दारू बिकवा रही है और जिस अन्न के बिना सृष्टि चल नहीं पाएगी, किसान के उपज की बिक्री हेतु रातों रात बिक्री करने का समय निर्धारित करना पूर्णतया किसान को बर्बाद करने की योजना है। किसान नेता विनय शंकर राय, मुन्ना एवं योगी राज पटेल ने राजतालाब क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जाकर किसानों के खेतों से सब्जी वाजिब मूल्य पर खरीदारी करते हुए पगड़ी बांधकर गणेश प्रसाद शर्मा, राजेंद्र पटेल, सेवालाल, जैशलाल पटेल, सुरेंद्र राजभर, नीरज पांडेय, राजकुमार पटेल, टुन्नू राजभर को सम्मानित किया और तय हुआ कि 6 मई को भाजपा के जिम्मेदार अधिकारियों से किसान मिलकर अपनी बदहाली का कारण तथ्य के साथ बताकर उनके माध्यम से शासन प्रशासन तक समस्या पहुंचाकर बनारस के किसानों की समस्या का समाधान कराने की बात गंभीरता से करेंगे। किसान नेता विनय शंकर राय, मुन्ना ने कहा कि विनाशकारी शराब की बिक्री हेतु लॉकडाउन में दिन भर खुली छूट और धरती के पालक किसानों के उत्पाद को बेचने वाली मंडियों को रातों रात केवल 3 घंटे के लिए खोलना प्रशासन का अविवेकपूर्ण निर्णय है। आज लहरतारा, फुलवरिया, महमूदगंज, मेहदीगंज सहित इत्यादि गांवों में सैकड़ों लोगों को सब्जी, राशन और एनर्जी जूस का प्रबोधिनी फाउंडेशन ने गरीबों और असहायों में वितरण किया। अन्नदाता इस लॉकडाउन में ये सिद्ध हो गया है कि सब कुछ बंद हो सकता है लेकिन पेट की भूख नहीं बंद हो सकती है। पेट की भूख को अगर कोई मिटा सकता है तो वो अन्नदाता मिटा सकता है, किसान मिटा सकता है। और धरती का किसान आज कहीं ना कहीं लॉकडाउन में परेशान था। हम लोगों ने बनारस में किसानों को सहयोग देने के लिए, किसानों की सहायता के लिए अभियान चलाया है कि जो इनकी सब्जियां बर्बाद हो रही थी, इनको खेतों में जा करके हम लोग वाजिब मूल्य पर सब्जियां खरीदने का कार्य कर रहे हैं। और किसान बनारस में लॉकडाउन के कारण से किसानों की सब्जियां बर्बाद हो रही थी, चूँकि बनारस का जो ये राजातालाब तहसील है, ये किसानों की सब्जी के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ से जो सब्जियाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो टमाटर है, ये जो मिर्चा है, ये जो बैंगन है, ये पूरे विश्व में इसकी सप्लाई है। कई देशों में, भारत के विभिन्न प्रांतों के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कई देशों से यहाँ की सब्जियाँ जाती थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण से किसानों की जो सब्जी है ये बेभाव बिक रही थी। इसलिए प्रबोधिनी फाउंडेशन ने और हम लोग किसान, जो हमारे पूर्वांचल किसान यूनियन के नेता हैं, हम सभी लोगों ने मिल करके और एक अभियान चलाया कि किसानों के खेतों में जा करके ही हम लोग इनको वाजिब दाम दे करके और किसानों की सब्जियां खरीद रहे हैं और शहर में सप्लाई कर रहे हैं। इसका परिणाम ये मिल रहा है कि किसानों को अच्छा रेट मिल जा रहा है, इनको सब्जी मंडियों में जा करके इनको दिक्कत नहीं हो रही है जाने में, क्योंकि सब्जी मंडियों में जाते थे और वहाँ रेट नहीं मिलने के कारण से सब्जी को फेंक करके किसान चले आते थे। लेकिन आज किसानों को हम लोग एक छोटी सी पहल कर रहे हैं और उस छोटी सी पहल के द्वारा किसानों को खेतों में जा करके हम लोग कोहड़ा, बैंगन, टमाटर, भिंडी, मिर्चा
और नेनुआ, लौकी, कद्दू, ये सब हम लोग खरीद करके और शहर में जो असहाय लोग हैं उन लोगों को हम लोग निःशुल्क दे रहे हैं। और जो सामाजिक सरोकार से जो किसानों के से प्रेम करते हैं उन लोगों को हम लोग वाजिब मूल्य पर उनको उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि किसानों की ताज़ी सब्जियां लॉकडाउन में भी लोगों को मिल रही हैं और लॉकडाउन में किसानों के खेतों में सब्जियां बर्बाद नहीं हो रही हैं।